It's been a fantastic couple of weeks, but all good things must come to an end. और ऐसे ही देखते देखते हमारी टर्की की रोड ट्रिप भी एंड होने वाली है. Unreal, मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वाकई में अल्फाज में आप बयान नहीं कर सकते. We started our road trip in Cappadocia, जहाँ पे हमने एक से बढ़ के एडवेंचर्स किए. From hot air ballooning to quad biking, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मिस की. We then made our way onto Konya, which was a beautiful spiritual city known to be where Maulana Rumi is buried. Konya se aage hum gaye Antalya, where we met some of the sweetest people we have met on our trip. Khoob khane peene ke baad humne apna rasta kiya Fethiye ki taraf, where we just spent the night before leaving for Pamukkale. Sunday hai aur coffee ki dukane band hai aur desperate hum paglon ki tarah dhoond rahe hain ki kahin pe hame coffee mil jaye lekin nahi mil ke de rahi. Maza aa raha hai, enjoy kar rahe hain zindagi. Aur agar aap log bhi chahte hain ki zindagi khul ke jiye to yaar ghar se bahar niklo. Pamukkale ka cotton castle unexplainable hai. Words mein main वाकई में डिस्क्राइब नहीं कर सकती ये कैसा होता है. इट्स लाइक यू आर इन स्नो लेकिन बहुत गर्मी होती है. इट्स एक्चुअली रियली ऑसम फॉर सन टैनिंग. पामुकाले के बाद हमने अपना रास्ता किया बोड्रम की तरफ, विच हैड द बेस्ट चिल बीची वाइब्स दैट यू कुड हैव फाउंड इन टर्की. चलें फिर थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं. एक चीज रह गई है. वो क्या है यार, हम एंशिएंट ग्रीक सिटी में नहीं गए. वहाँ पे वो है ना एम्फीथिएटर. अरे हाँ, जहाँ पे लाइब्रेरी भी है वो एफिसस. यस, क्या करें फिर, रोड ट्रिप करते हैं. चलो फिर आ जाओ. चलो आओ, आ जाओ. अरे मैं इस बंदे को उठाने पड़ते हैं, गंदियाँ बैठ के खाली मूवियाँ बना. एक्सक्यूज मी, जो मैंने 20 किलो का हैवरसैक पकड़ा है और ये जो एक 50-50 किलो का बैग मैं लेकर आया हूँ जिसमें इनाया के डायपर हैं फुल. फुल नहीं है, सॉरी, 25 किलो का और ये 35. नहीं नहीं, ये पहले था पाकिस्तान से आने से पहले. अब इसमें इतने हमने जो कपड़े खरीदे हैं, जूते खरीदे हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो सब इन बैग्स के अंदर हैं. तो ये तकरीबन 40 किलो है, वो 50 किलो है. और मैं had a really amazing road trip so far in Turkey. तो ये bags रखो तानी और चलो बच्ची को नाश्ता कराते हैं. तिरारी दारी रत्ता तारी रा, 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 तिरारी दारी रत्ता तारी रा. Road trip पे बहुत जरूरी होता है अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो कि उनको खाना खिला के लेके जाएं. So I just have to show you guys, it's so cute. दो आंखें हैं और एक बड़ी सी स्माइल है. What really blows me away is that there is so much history behind Ephesus. मैंने कहीं से सुना था कि अभी भी जो हम देख रहे हैं इस वक्त is only 15% of what is uncovered. 85% is still underground. और पता नहीं टाइम के साथ क्या क्या निकलेगा. Okay, so this is the amphitheater in Ephesus. और actually ये massive है. हम इधर I think सेकेंड लेवल पे, इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं. अभी वो बंद हुआ हुआ है और नीचे भी बैठ सकते हैं. बैक इन द डेज रोमन्स ग्रीक्स यहाँ पे परफॉर्मेंसेस करते थे और इसकी शेप आप देख सकते हैं लाइक ऐसे गोल टाइप है. सो दे वुडन्ट इवन नीड अ माइक और एनीथिंग. वो बीच में खड़े होकर जैसे गाना गाते थे या प्ले करते थे एंड एवरीबडी कुड हियर हिम बिकॉज उसकी शेप ऐसी है. इट्स एक्चुअली रियली कूल एंड आई थिंक इट्स अ परफेक्ट फोटो स्पॉट. हम लोग इस टाइम पे एंशिएंट ग्रीक सिटी में मौजूद हैं, एफेसस में, और हमारे पीछे एम्फीथिएटर है. ओह माय गॉड. अच्छा, बचपन में मैं एक टीवी शो देखती थी लिजी मैग्वायर, और उसकी मूवी जो आई थी लिजी मैग्वायर की हिलरी डफ की, उसमें वो एम्फीथिएटर में आके गाना गाती है, दिस इज अ ड्रीम्स आर मेड ऑफ. पूरी आवाज ऊपर तक जाती है. जैसे कराची में घर बने होते हैं, पड़ोसियों को खबर होती है कि किस घर में लड़ाई हो रही है, तो वही वाला सीन है. In our trip to Ephesus, we are also going to be visiting the oldest library in the world, which is mind-blowing. So, ये जो amazing जगह हमारे पीछे है, it was a library once upon a time. It is also known as the Library of Celsus. और क्या amazing place है ये? It is absolutely stunning, absolutely gorgeous. और यहाँ पे लोग शादी भी कराते हैं, अब pictures भी लेते हैं,
And I just can't help बड़ी फिट किस्म की जोरदार किस्म की एंशिएंट रोमन ग्रीक वाइब्स आ रही हैं इस जगह से यार. Oh my God, इनाय ने बिल्ली को पकड़ लिया. So Turkish carpets are famous worldwide. और मुझे बहुत fascination थी कि ये बनते कैसे हैं. And I have seen a few people like make them, लेकिन मुझे बस deeper जाना था. So today we are at Turkmen Art and Rug Center. ये जो है Ephesus में ही है. And it was like on our way, so we just thought we would stop by here and explore and see how these gorgeous carpets are made. Oh, thank you. Oh wow. Oh, Imran. If our president saw this, he would buy it. That's silk? It's pure silk, yes. Just remember, yaadein reh jaati hai kuch choti. After spending the day at Ephesus, we actually decided to stay in this really cute treehouse. Khoob shopping ki, grocery ki, aur phir hum gaye apne treehouse mein where we cooked dinner and really, really relaxed. After having a warm, cozy evening to ourselves in the treehouse, we decided to explore the old town of Seferhisar. Ek se badhke ek coffees mil rahi thi, so we treated ourselves to some iced coffee. So we got some strawberries for Inaya because she loves strawberries. Yeah, amazing gali. We randomly mili and stroll kar rahe the. Aur yahan pe fresh plums lage hain jo aap utar ke kha sakte hain. So ye paintings aur phir iske piche itna pyara pyara bougainvillea aur inhone gulab latkaye hain. Idhar shaadi ho rahi hai kisi ki. टर्की आके यहाँ की कॉफी पी के मेरा वो टेस्ट डेवलप हो गया है और मुझे कॉफी अच्छी लगना शुरू हो गई है. यार इधर की कॉफी बहुत मजे की है. इधर के कैफेज ऑन टॉप ऑफ दैट उससे बेहतर है. दे आर एब्सोल्युटली स्टनिंग. दिल करता है बस बैठ के कैफे में एडिटिंग करूँ, मूवियाँ देखूँ, चिल करूँ और ऐसे गलियों में एंजॉय करूँ. बस यहाँ से निकलते हैं, अब हम आगे की तरफ जाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे आगे. Gotta stay here for some time. तो हमारा रोड ट्रिप जोरो शोर से जो है वो जारी है और ये हमारा सेकंड स्टॉप ओवर है. तो हम लोग इस टाइम पे मौजूद हैं अलचाटी या अलकाटी. हम लोग अलकाटी कह रहे थे. अलकाटी कह रहे थे. यहाँ के लोगों ने बताया ये अलचाटी है. अलचाटी जो है ये सेसमी से 10 मिनट दूर है. तो सेसमी और अलचाटी जो है वो बिल्कुल साथ साथ हैं. और क्या नेबरहुड है. अभी हम लोग यहाँ पे मार्केट में जो बिल्कुल अंदरून जो बिल्कुल अंदर की गलियाँ हैं वहाँ मौजूद हैं और हम लोग दंग रह गए हैं. यहाँ पे एक से बढ़कर एक खूबसूरत दुकान है, कैफे है, होटल्स हैं. मतलब ऐसा लग रहा है इन्होंने आराम से 2 या 3 साल लगा के सोच के प्लानिंग करके एक थीम रखी है एक हर कैफे की. वेस्पा खड़ी हुई है कलरफुल, जिस तरह से उसको सजाया हुआ है बनाया हुआ है मतलब मैं देख के हैरान हो गया हूँ. तो अभी हमारा प्लान ये है कि जल्दी से हम लोग पहले एक फीस्ट करें. यहाँ का हमने लोकल बर्गर लिया है बर्गर ज़मानी से जो कि बहुत फिट लग रहा है. ये नाय का चिकन बर्गर है और ये मेरा जो है वो बीफ बर्गर है और अनियन रिंग्स भी साथ हैं. तो ये खाएंगे, इंतसाल खाएगी. इंतसाल की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी क्योंकि इंतसाल ने कल रात में काफ़ी लेट खाना खाया. हम लोगों ने पास्ता खाया उसके बाद फिर हम लोग अमूमन ये होता है कि वॉक पे निकल जाते हैं थोड़ा सा मतलब उसको बर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कल हमें बिल्कुल मौका नहीं मिला तो इंतसाल खाना खाने के फ़ौरन बाद जो है वो सो गई. और फिर हुआ ये कि सुबह से और फिर सुबह नाश्ता भी कर लिया इतना हैवी तो इसकी तबीयत जो है वो काफ़ी डाउन है बेचारी. वॉमिट भी कर चुकी है 2-3 दफ़ा लेकिन फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारे साथ इस प्लान में शरीक है और ये जगह जो एक्सप्लोर कर रही है और हम लोग भी कर रहे हैं. अलचाटी जो है बड़ी बड़ी खूबसूरत वाइब्स दे रहा है और खाना खाते हैं. अब यहाँ से फिर निकलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, गलियों में जाते हैं डीप डाउन द एलीज और फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि और क्या सीन होता है अलचाटी में. हर एक एक दुकान यहाँ पे इतनी प्यारी है और इधर इतनी प्यारी ज्वेलरी मिल रही है. आई लिटरली वांट टू गेट एवरीथिंग लेकिन मुझे पता है लाइक वो टूरिस्ट ही जगह है. उफ, क्या अमेजिंग चीज़ है यहाँ की. सीरियसली हर चीज़ हैंडमेड लग रही है और गॉर्जियस लग रही है.
अच्छा ऐसी जगह पे आप आओ, आपका मूड नहीं होता आइसक्रीम खाने का? हाँ मेरा तो होता है। मैंने कहा था ना आइसक्रीम बहुत जरूरी है जब ऐसी गली में आए। अच्छा इनाया मैडम नखरे कर रही हैं, आइसक्रीम तो फिर पापा खा लेता है। पापा नहीं मामा, ये बड़ा लालीपॉप है। लालीपॉप? हाँ बेटा सही जा रही हो, चलो आला चाटी से बाहर निकले। लालीपॉप है हमारी औकात नहीं आला चाटी में घूमने की। मेरी बेटी को लालीपॉप दे दो कोई। थैंक यू। तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि मुझे ये जगह मिली कैसे। तो मैं अपना हमारा वैसे होटल बुक करी थी एयरबीएनबी पे, और वहाँ पे किसी फोटोग्राफर ने लगाई थी जगह एज लाइक परफेक्ट फोटोग्राफी। हाँ बिल्कुल। सो आई सर्च इट अप और ये हमारे होटल से 50 मिनट दूर था। नाम कितना कैची है ना आला चाटी, और ससमी जो है वो यहाँ से मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट दूर है। तो ये भी पूरी कोस्टल जगह है, यहाँ पे मुतादित बीचेस हैं, एक दो मेरे ख्याल से बहुत मशहूर बीचेस भी हैं। उनका क्या नाम है? एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद, मैं डाल दूंगी नीचे। हाँ लेकिन इस गली जरूर आए। रत्तारी रा तिरारी रारी रत्तारी रा। किसी ने क्या खूब कहा है, एवरी जर्नी विल कम टू एन एंड समडे, बट वन मस्ट नो दैट एवरी एंड हैज अ न्यू बिगिनिंग। तो इसी के साथ हमारा टर्की का ये शानदार और एडवेंचरस ट्रिप अपने अख्तिताम को पहुंचा। लेकिन इस सफर की वजह से हमने जो यादें, जो खूबसूरत मेमोरी समेटी हैं, वो शायद हम जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में हम सब मिलके किसी नई जगह, किसी नए मुल्क को एक्सप्लोर करें। तो आप लोग एक काम कीजिए, वीडियो आखिर तक देखें, हम जब तक जाके तैयारी करते हैं क्योंकि सफर अभी बाकी है। तो मेरे पीछे जो इस वक्त आप मस्जिद देख रहे हैं ये है कॉनिक मस्जिद, जो कि बहुत पुरानी मस्जिद है और ये इजमीर में वाकई है। मेन जो कॉनिक स्क्वायर है वहाँ पे है ये। जैसे तकसीम स्क्वायर इस्तांबुल में बहुत मकबूलियत पर हामिल है, उसी तरह कॉनिक स्क्वायर इजमीर में बहुत मशहूर है। मैं आप लोगों को घूम के दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि इजमीर का क्लॉक टावर है। अच्छा यहाँ पे आई जस्ट नोटिस कि पहली दफ़ा इस्तांबुल लाइक टर्की में मैंने देखा है ये बाजरा दिख रहा है। तो इधर बहुत सारे पिजन्स हैं और आप बाजरा लेकर उनको फीड कर सकते हैं। By roses, it is so nice over here. और कोई ब्लैकबेरी का शरबत भी बेच रहे हैं बुड्ढे, which is so cute. और यहाँ पे जगह जगह जो है वो सिमित बिक रहा है जो हमने इस्तांबुल में खाया था, तो उसको गेवरे कहते हैं यहाँ पे, जो क्रिस्प होता है। बिल्कुल वही है, वही रेसिपी है, वही चीज है, लेकिन उसको यहाँ पे गेवरिक बस दूसरा नाम है उसका, और यहाँ का बहुत मशहूर है। अच्छा इधर के सिमेंट में मैंने नोटिस किया है कि नुटेला लाइक नहीं है, दे पुट अंडे इन है, दे पुट चीज है, टमाटोज इन है, लेकिन इस्तांबुल में आपको लाइक क्रीम चीज और नुटेला वाले मिलते हैं। बस यादें रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये शानदार, बड़ा प्रोडक्टिव और बड़ा एडवेंचरस रोड ट्रिप जो है वो इख्तिताम को पहुंचा, और हम लोग इस वक्त हैं इजमीर में एक खूबसूरत से बीच के सामने, और सनसेट जो है वो तकरीबन हो चुका है। क्या खूबसूरत व्यूज़ हैं, क्या रिलैक्सिंग वाइब्स हैं, और ये मेरे ख्याल से हाईलाइट है पूरे टर्की के टूर की, कि हर जगह जहाँ जहाँ जिस शहर हम लोग गए हैं, जिस गली कोने में गए हैं, वहाँ पर रिलैक्सिंग चिल वाइब्स आई हैं। तो टर्की हम आपको बहुत मिस करेंगे, आपके खानों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की गलियों को, यहाँ के बीचेस को। अच्छा लाइक द बेस्ट थिंग इज दैट सारे बीचेस पे इन्होंने वो चेयर्स लगाई हैं, अम्ब्रेलास लगाए हैं, यू कैन चिल करने के लिए। हाँ एंड देयर इज पार्क्स एवरीवेयर, सो किड्स कैन जस्ट लाइक प्ले इन द पार्क। पूरी फैमिली का बंदोबस्त हुआ है यहाँ। तो इसी के साथ, इसी नोट पे हम आप लोगों को गुड बाय कहते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए मुल्क में, किसी और जगह। लेकिन हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग हमें नेक्स्ट किस मुल्क में देखना चाहते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे वही मुल्क फिर हम लोग ट्रैवल करें। अल्लाह हाफिज़। यादें रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है।